नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बेरमो भारतीय जनता युवा मोर्चा फुसरो नगर अध्यक्ष सुमित सिंह के नेतृत्व में कल पंजाब में हुए प्रधानमंत्री की जान से जो खिलवाड़ किया गया था उसके विरोध में बृहस्पतिवार को बेरमो प्रखंड कार्यालय से बैंक मोड़ फुसरो तक मशाल जुलूस निकालकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। मौके पर भारतीय जनता महिला मोर्चा की बोकारो जिला अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा देवी, जिला उपाध्यक्ष राधा देवी, भाजपा युवा मोर्चा के सूरज कुमार, डीआईजी प्रसाद गुप्ता, अमित कुमार, चंदन कुमार चौहान, अजय कुमार, सौरभ कुमार, महारुद्र सिंह, जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। आज मुख्यमंत्री के सचिव और उस राज्य के या फिर रेल मंत्री वो प्रधानमंत्री के और उस राज्य के विजिट वो लोग मोदी जी के साथ में जहाँ जहाँ प्रोग्राम है सरकारी योजनाओं का शिलान्यास है या फिर जहाँ योजना के लिए कार्यक्रम स्थल बनाया गया है उसके रास्ते को उन लोगों का सकारात्मक प्रतिफल मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कार्यक्रम से कुछ समय पहले सुबह सुबह में चन्नी जी का स्टेटमेंट आता है कि मैं उस कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। उसके बाद का घटनाक्रम पूरे देश पूरे वर्ल्ड में लोक चैनल के माध्यम से सारे लोगों ने देखा है। जब 20 मिनट तक ओवर ब्रिज के ऊपर में प्रधानमंत्री ने गाड़ी को रोक के रखा है सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब प्रधानमंत्री का रूप चेंज हुआ क्योंकि बारिश हो रहा था, बारिश के कारण में रूप को चेंज करना पड़ा, हेलीकॉप्टर बारिश में नहीं जा सकता तो रोड से रास्ता बना, तो ये सूचना डीजीपी को और मुख्यमंत्री को दिया गया। उसके बावजूद सरकार का अपना स्टेटमेंट आया है कि हम लोग किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं दिया। चले ठीक है, मान भी लेते हैं, लेकिन जब ब्रिज के ऊपर में प्रधानमंत्री ने काफिले को 20 मिनट तक रोका गया उस समय में आप देखेंगे पूरा फोटो पूरा वीडियो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल सभी जगह चल रहा है। उस समय में पंजाब सरकार का प्रशासन वहां पे नहीं है, केवल और केवल एसपीजी का सुरक्षा उस गाड़ी के आसपास में दिखाई दे रहा है। पंजाब सरकार के अधिकारी पदाधिकारी कोई नज़र नहीं आ रहे। ये क्या है, ये पूरी तरह से यह षड्यंत्र था प्रधानमंत्री को नुकसान पहुँचाने के लिए। कुल मिला के यह कांग्रेस का षड्यंत्र है और इसके लिए गृहमंत्री और महामहिम देश के राष्ट्रपति जी से आग्रह होगा कि जल्द से जल्द इसके लिए कमेटी बना करके, जैसा कि पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है, राष्ट्रपति से मुलाकात की है प्रधानमंत्री से, उसके बाद अभी क्या है कि तुरंत से तुरंत इसमें कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग का युवा मोर्चा के बैनर तले माध्यम से यह डिमांड होगा कि जो भी दोषी पाए जाए उसमें